हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्पम चुनकर लिखें। सही विकल्प चुन के लिखना है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, तो बताना है क्या थी। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था? ये देख लेंगे सभी प्रश्न क्रमशः, इनके उत्तर के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, तो बताना, कमेंट जरूर करना है। तीसरा है, हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोने का गर्भ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है कौन सी है, तो बताना है कौन सी हो जाएगी, देख के इसे बता देंगे। अगला, समोवा किस कक्षा का छात्र था? कक्षा 5, कक्षा 6, 7 का था। किसका? 7 का। सही जोड़ी बताना है, तो जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, हिमनद, जल प्रपात, बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें लिख देना है। लघुत्तरी प्रश्न, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे, ये बताना है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? चील मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? आधे दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते थे? पांचवा, पवन किसे कहते हैं? पवन के प्रकारों के नाम लिखना है। अगला, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, नाम बताना है। पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों के नाम बताना है, कौन कौन से मानव निर्मित घटक हैं पर्यावरण में जिसका निर्माण मानव ने किया है। अगला, क्या हरमीति और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमति की माँ काम नहीं करती थी, बताना है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, वर्तमान में उनका नाम क्या है, ये बताना। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में तीन तीन अंतर बताना है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा में तीन तीन अंतर बता देंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न ये दिए गए हैं, 5 वस्तुओं के नाम लिखना और चित्र बताना है। खनिजों से बनी 5 वस्तुएं कौन कौन सी, उनका नाम लिखना है यहाँ पे और चित्र ऊपर बनाना है, तो इनका चित्र नाम लिख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे, वर्षा के 3 प्रकारों के नाम लिखना और चित्र सहित समझाना है, कौन कौन से प्रकार है। और अथवा वाला जो प्रश्न है, आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाओ और 5 वाक्य लिखना, ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो इसे भी देख लेंगे।